आज मैं पढ़ा रही हूँ कैरोटिड सीथ। कैरोटिड सीथ क्या है, हेड एंड नेक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैरोटिड सीथ होती क्या है, देखिए कैरोटिड सीथ का मतलब है कि अपनी नेक के अंदर जो वेसल्स है, मतलब आर्टरीज होगी, वेन होंगी, उनके चारों तरफ एक फाइब्रो एरुलर टिश्यू की सीथ मिलती है, ठीक है, वो है कैरोटिड सीथ। मतलब जैसे कि ये वेन हो गई कोई नेक के अंदर, ये आर्टरीज हो गई, इसके चारों तरफ एक सीथ मिल रही है, वो है कैरोटिड सीथ, जो किसकी बनी हुई है, फाइब्रो एरुलर टिश्यू की। ये क्या करती है, इनको फिक्स करके रखती है वेन को और आर्टरीज को। जैसे कि अपनी ये है, अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ मिलेगी इसके अंदर, सीथ के अंदर जो है इसके कंटेंट जो होंगे वो बताने हैं अपन को। ये वेन हो गई, अपन को नेक की वेन जो बताई है मैंने कि एक वेन होगी, आर्टरीज होगी वेसल्स के अंदर, तो वेन जो है ये है इंटरनल जुगलर वेन, ठीक है। एक आर्टरीज होती है, आर्टरी में होती है अपन को कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, उसकी ही ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इसमें कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आती है, इंटरनल जुगलर वेन आती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इसके कंटेंट में शामिल नहीं होती, ये जाती है सीथ के बाहर, ठीक है। और एक आती है नव, वो है वेगस नव। तो इसके कंटेंट में अपन को क्या क्या बताना है, हो गई एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, हो गई ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई, एक वेगस नर्व हो गई। इसमें जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो इसके कंटेंट में नहीं आती, ये है बाहर है। और ये जो ये है ग्रीन कलर की, ये अपनी है वो कैरोटिड सीथ। तो कैरोटिड सीथ के कंटेंट में अपन को क्या बताया था कि जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वेगस नव और ये चारों तरफ इसकी कैरोटिड सीथ। तो मैंने बताया था कि ये क्या करती है, अपनी इंटरनल जुगुलर वेन को और कॉमन कैरोटिड आर्टरीज को, मतलब वेसल्स को फिक्स करके रखती है, उनके चारों तरफ यूँ मिलेगी, जैसे कि ये दोनों है और इनके चारों तरफ मिलेगी, फिक्स करके रखेगी। तो ये हो गए, ये अपन को डायग्राम बनाना है और इसके कंटेंट में भी बता देना है। फिर अपन को इसके क्या बताना है कि इसके रिलेशन क्या होते हैं कैरोटिड सीथ के, ठीक है। तो अब मैंने बताया था इसके अंदर वो वेसल्स तो मिली रही है, उनके चारों तरफ वो कैरोटिड सीथ है, तो इसमें क्या मिलेगी, एक तो वही इंटरनल जुगुलर वेन मिल गई, ये अपनी कैरोटिड आर्टरी हो गई, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये अपनी वेगस नर्व, ये तीनों हो गए यूं के यूं, ये वेन हो गई, वेगस नर्व हो गई और ये क्या आर्टरीज हो गई, ठीक है। अब इसके ये कैरोटिड सीथ हो गई इनके चारों तरफ। अब इसके दो हैं, ये एंटीरियर इसकी बॉर्डर हो गया, ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस हो गई, जो है एंटीरियर पोस्टीरियर दो चीज़ें हो गई इसकी। अब इसके एंटीरियर पे तो लाइज क्या होती है, एंटीरियरली तो होता है इसके एंसर सर्वाइकेलिस, जो क्या होता है एक नव का प्लेक्सस होता है, ठीक है, एंसर सर्वाइकेलिस तो इसके एंटीरियरली होता है, और जो एक क्या होती है सिंपैथेटिक ट्रंक जो होता है वो इसके पोस्टीरियरली होता है, बस इतना ही है ये। थैंक यू।